बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरतसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गोल्जी अपरेटस, और वी कैन से गोल्जी कम्प्लेक्स, और वी कैन से डिक्टियोसोम। तो ये तीनों नाम जो हैं एक ही टॉपिक के हैं। अगर कोई नाम भी पूछा जाए किसी पेपर में, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आ सकता है, डिक्टियोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस के नाम से जो आ सकता है, तो आपने टॉपिक यही लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि गोल्जी अपरेटस जो है ये किसने डिस्कवर किया और कब किया। 1898 के अंदर सर कैमिलियो गोल्जी जब यूकैरियोटिक सेल को स्टडी कर रहे थे। यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस और दूसरी जो ऑर्गेनल्स हैं वो मौजूद हों, वो आपके पास क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाता है। और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर सर कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया, वो कहते हैं कि मैंने एक नेटवर्क बेसिकली डिस्कवर किया। इस नेटवर्क के अंदर क्या था, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर थे, जो क्या थे, फ्लैटेंड थे, और इनका जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह से था, बिल्कुल ऐसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था। और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, सिस्टर्नी का नाम दिया। अब ये जो सिस्टर्नी है बेसिकली ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ल्यूमिन मौजूद है, कैविटी मौजूद है, और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। और इसी तरह से ये जो सिस्टर्नी है, जब ये इकट्ठी होती हैं, स्टैक एक दूसरे के ऊपर तहें लगाती हैं, और तहें लगाकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं, डिक्टियोसोम का नाम देते हैं, गोल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। अब बेसिकली अगर हम इनका ओरिजिन देखें कि ये गोल्जी अपरेटस जो है ये बना कहाँ से है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सम टाइम क्या हुआ कि सेल पे थोड़ा सा प्रेशर आया, तो ये ऑर्गेनेली की कुछ ये जो स्टैक्स थे, सिस्टर्नी, बेसिकली ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, यहाँ पर आप इनको क्या नाम देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है। जब ये इससे सेपरेट हो जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, गोल्जी अपरेटस कहलाती हैं। या फिर ये किस तरह से है कि यहाँ पर से छोटे छोटे बड्स निकलते हैं, या दोनों से, रफ और स्मूथ दोनों से, ये बड आके इनके साथ फ्यूज करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी फ्यूजन की वजह से ये जो आपके पास गोल्जी कम्प्लेक्स है, या जो ये सिस्टर्नी है, इसकी फॉर्मेशन होती जाती है। मसलन तीन चार इकट्ठे बर्ड्स मिले तो उन्होंने क्या कर दिया, एक पूरे के पूरी स्टैक बना दी। इस तरह से ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सेक्रीशंस निकलती हैं, या जो बर्ड्स निकलते हैं, जो वैक्यूल्स निकलते हैं, वो इसके साथ फ्यूज करते हैं और बना देते हैं यहाँ पर क्या, गोल्जी कम्प्लेक्स बना देते हैं। उसके बाद इस गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, सेल के अंदर इसका काम क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सेल के अंदर एक चेक पॉइंट के तौर पर काम करता है। अब यहां पर देखें ये चेक पॉइंट कैसे है, और इसने किस चीज के लिए चेकिंग करनी है, इसने क्या काम करवाना है। तो यहां पर अगर मैं वर्ड बोलूंगा ना, मैचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कि जो प्रोटीन है उसकी मैचुरेशन करवानी है, लिपिड की मैचुरेशन करानी है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनवाने हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। किस तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपको पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है, दैट इज़ द राइबोसोम। और जहाँ पर भी राइबोसोम्स होंगे वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो इट्स मीन कि ये जो बड है, ये वाली जो मैंने बनाई है, इसके अंदर क्या है, ख़ास किस्म की प्रोटीन है, कोई इंजाइम हो सकता है, डाइजेस्टिव इंजाइम हो सकता है, बाकी दो जो चीज़ आप कह सकते हैं कि जो प्रोटीन इन नेचर होगी वो कहाँ से निकल कर आ रही होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और किस फॉर्म में निकल कर आ रही होगी, यहाँ पर ये निकलती है डियर स्टूडेंट्स बड की फॉर्म में। या तो ये बड डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर दिया जाता है,
यहाँ पर देखें कि अगर इस बर्ड को यहाँ पर फ्यूज़ कर दिया जाए तो इसका जो बर्ड का मटेरियल था, ये जो बर्ड है इसको आउटसाइड ऑफ द सेल डाल दिया जाता है। सो इट्स मीन कि यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होती है टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, और इसी बर्ड को क्या किया जाता है, गोल्जी अपरेटस के पास पहुंचा दिया जाता है। अब गोल्जी अपरेटस ने क्या करना है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। तो गोल्जी अपरेटस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके कुछ फेज हैं। इसको हम बोलते हैं सिस फेज, क्योंकि ये न्यूक्लियस और वी कैन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनके क्या है, नज़दीक है, और ये आपके पास क्या होता है, ट्रांस। तो ट्रांस आपको पता है दूर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये क्या है, उससे थोड़ा सा दूर है। और सिस फेज की तरफ क्या होगा, ये बर्ड यहाँ पर लग रही हैं आके, इसके साथ अटैच हो रही हैं, तो ये हमारे पास कौन सा फेज होगा, दैट इज़ द फॉर्मिंग फेज। और यहाँ से ये बर्ड निकलती हैं, यहाँ पर क्या, ये कहलाता है मैच्योरिंग फेज। इट्स मीन कि यहाँ पर जो बर्ड बन रहा है या जो प्रोटीन आ रही है वो मैच्योर नहीं है। आफ्टर दैट इसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग होनी है, प्रोसेसिंग होने के बाद उसने क्या बना देना है, एक मैच्योर प्रोटीन बना देनी है। दिस दैट्स व्हाई वी कॉल इट द मैच्योरिंग फेज। अब यहाँ तक हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अगर हम इसका बेसिकली फंक्शन देखते हैं तो वो क्या है, गोल्जी अपरेटस के पास ख़ास किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, और वी कैन से इसके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब जिस चीज़ के पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इट्स मीन कि वो आने वाली चीज़ के अंदर क्या ऐड करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को ही ऐड करेगी ना। मतलब ये जो प्रोटीन आ रही हैं, या इधर से आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में पढ़ रहा रखा है कि ये क्या करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। तो इट्स मीन कि यहाँ से लिपिड वाली ऑर्गेनेल्स जो हैं, या जो वो वैक्यूल्स हैं, बड ऑफ होकर किसके पास आएंगे, गोल्जी अपरेटस के पास आएंगे। यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन से आएंगे, प्रोटीन वाले आएंगे। तो यहाँ पर क्या होना है, इसने अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखें तो ये इसके साथ फॉर्म कर गया ये वाला बर्ड, और इसी तरह से नीचे वाला बर्ड भी इसके साथ क्या कर चुका है, फॉर्म कर चुका है, इसके साथ मिक्सअप हो गया। अब इसके अंदर क्या थी, लिपिड थी, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, जो आया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ उसके पास क्या थी डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स थी, और जो आपके पास आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उनके पास क्या थी, प्रोटीन्स थी। अब ये दोनों किसके पास आए हैं, ये दोनों आए हैं जी गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी के पास। यहाँ से ये इसके साथ लगी है, यहाँ से ये इसके साथ लगी है। तो इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, कार्ब्स पड़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन के साथ मिलेंगे तो वो बना देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये कहाँ से निकल रही हैं, ये आपके पास यहाँ से निकल रही हैं गोल्जी अपरेटस से, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब ये लिपिड्स इस गोल्जी अपरेटस के पास आएंगे तो कार्ब्स इसके साथ लगेंगे, तो ये क्या बना देगी, ग्लाइको लिपिड्स बना देगी। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनका फर्दर जो प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर बेसिक जो फंक्शन है वो ये था, पर्पस था इसको स्टडी करने का, कि ये ग्लाइकोलिपिड एंड एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। सो इट्स मीन कि ये जो यहाँ से सेक्रेशन निकल रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास से, वो बेसिकली किसके साथ अटैच हो रही हैं, गोल्जी अपरेटस के साथ, और गोल्जी अपरेटस उसको मैच्योर करके, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक्टिव करके फिर फर्दर क्या करता है, आगे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इट्स मीन कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल कौन करवा रहा है सेल के अंदर, गोल्जी अपरेटस। तो ये भी इसका क्या है, फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। और फिर ये और क्या क्या काम करता है, ये हमारे पास ये जो बर्ड्स या वैक्यूल निकले हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं समटाइम, या दूसरे इंजाइम होते हैं, या ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जिनको हमने वैक्यूल का नाम दिया है। तो ये हमारे पास तीन तरह की हैं, और उनमें कौन कौन सी है अगर देखा जाए, जो गोल्जी अपरेटस से निकलती हैं, तो उसमें सबसे पहले लाइसोसोम्स हैं, इसी वजह से बुक में इसी तरह से लिखा हुआ है, और दूसरी हमारे पास हैं पेरोक्सीसोम,
और थर्ड पर है हमारे पास ग्लाइऑक्सीसोम। तो ये जो परोक्सीसोम है, लाइसोसोम है और ग्लाइऑक्सीसोम है, ये सारी बेसिकली कहाँ से निकल कर आ रही होती हैं? गोल्जी अपरेटस से निकल कर आ रही होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को गोल्जी अपरेटस का जो प्रॉपर फंक्शन है या स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चल गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किस तरह से ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, ये किस तरह से सेल में उसके डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं और किस तरह से सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या फिर परोक्सीसोम किस तरह से रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से बचाते हैं और इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं, इंशाल्लाह उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से एक लिपिड कंटेनिंग सीड के अंदर ये काम करते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।